अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपके लिए आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर करूँगी वो है शामी कबाब की। इसके लिए मुझे 1 kg ये मैंने चिकन लिया हुआ है, धो के साफ़ कर लिया। ये मैंने 1/2 kg दाल ली थी, इसको मैंने भिगो लिया 1 घंटे के लिए। ये लहसुन, अदरक प्याज और हरी मिर्च है, और ये साबुत गरम मसाला और साबुत धनिया है। तो अब हम इसको डालते हैं, डेचकी में डालते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें मैं पहले ये दाल डाल दूँगी। इसके बाद ये चिकन डाल दूँगी। ये लहसुन अदरक डाल दूंगी और ये साबुत मसाला सारा डाल दूंगी। इसको ज़रा मिक्स करते हैं। अब इसमें हसबे ज़ायका सुरख मिर्च डाल देंगे और हसबे ज़ायका तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल दिया हुआ है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑन करती हूँ और इसको 1/2 घंटा के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखते हैं, दाल पानी इसका खुशक हो गया हुआ है और ये दाल भी गल चुकी है। अब ये मैं पीस लूँगी इसको सारा। ये मैंने कीमा पीस लिया। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा ना चॉप किया हुआ प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया और पुदीना, ये सारा इसमें डाल दूँगी। हाँ जी, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच तकरीबन डाल दूँगी इसमें मैं तकरीबन। और ये 2 अंडे इसमें डाल दूँगी। मैं तो वैसे अंडा ऊपर से लगाती हूँ, मुझे तो वही अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ये आसानी हो जाती है कि फ्राई करने में आसान हो। अब इसको हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे, गूँध लेंगे। जिस तरह आटा गूँधते हैं ना, इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। हाँ जी, ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसे सारा मिक्स किया है, सारे मसाला ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें मिक्स किए हैं। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। हाँ जी, ये मैंने कबाब बना लिए हैं। ये मैंने ना, ये मैं तवे पे ही फ्राई करती हूँ, होता है सब शामी कबाब हो गए, इस तरह के चपली कबाब हो गए। मैंने घी डाला है, इसको गर्म कर रही हूँ, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। हाँ जी, घी गर्म हो गया, अब इसमें कबाब डालूँगी। हाँ जी, ये मैंने कबाब डाल लिया, एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखते हैं साइड को इसको चेंज करते। ये देखें, ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश में निकालती हूँ। ये देखें, मैंने डिश में निकाल लिए हैं। साथ धनिया और पुदीने की हरी मिर्चों की चटनी है, बड़ी मज़े की है। और कबाब देखें, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।